सरीला नगर पंचायत के अध्यक्ष वन अनुरागी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सभासदों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। आरोप है कि अध्यक्ष ने खाद गड्ढे की सरकारी जमीन अवैध तरीके से चरण सिंह के नाम कर दी है। इसके अलावा सरकारी जमीन की कागजों में हेराफेरी कर अपने करीबी लोगों के नाम कर दी है। यह प्रदर्शन स्थानीय मुद्दों को लेकर किया गया जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई गई और प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग जताई है। के खिलाफ यहाँ डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हुए हैं सभी लोग और वहाँ भ्रष्टाचार है और पत्रकारों के साथ मारपीट और सड़क निर्माण, नाली निर्माण, स्वच्छता आदि कई बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम लोगों ने कई बार डीएम साहब को, एसडीएम साहब को, मंडल आयुक्त जी को ज्ञापन दिए और शासन स्तर पर लखनऊ भी दिए। उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, न किसी प्रकार का कोई अभी तक हमारे पास वो आया है कि हम लोगों के को शांति मिले। नेशन मिरर के लिए बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ स्वनीश कुमार की रिपोर्ट।